भाइयों, काफी खुशी की बात है कि इस बार का जो 7 मार्च को सीबीएसई का जो बोर्ड का मैथ्स का पेपर है, सच में बिलीव करिए कंफर्म हो चुका है कि एनसीईआरटी के बुक से है, प्लस एग्जांपल है और केवल गिने चुने 10 क्वेश्चन बाहर से आ रहे, जिसमें से 1-2 नंबर के ज्यादातर हैं और जितने बड़े क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके एनसीईआरटी बुक से ही आ रहे। पक्का कंफर्म हो गया, डिक्टो कंफर्म हो चुका है। तो आपको अब कुछ नहीं करना, अपने चेहरे पे स्माइल लाइए और मेरी एक बात मानिए। हमने एक वीडियो यहां पर पहले अपलोड कर रखी है और उस वीडियो में जो मैंने आपको बता रखा है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आप प्लीज 2-3 बार जम के कर लीजिए और पूरी बुक को एक बार जरूर दोबारे से रिवाइज कर लो। बहुत टाइम है, सारी बुक रिवाइज हो जाती है एक अच्छे बच्चे से 5 या 6 दिन में, ठीक है। अगर वीक हो, मान लो आप कहते हो, जैसे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम वीक है सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैंने टिक करे ना वो कर लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ढूंढ ढूंढ के काफी सोच के बना रहा हूं और मैंने यहां आज एक पेपर रखा है, या क्लोन पेपर कहते हैं इसे हम मैथ्स की लैंग्वेज पे, वो यहां पर आपको बता रहा हूं, इसको कर लो। इसमें से 3 या 4 जो एक्स्ट्रा है तो वो तो यहीं से मिल जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, मेरी गारंटी है 7 मार्च के बाद कमेंट बॉक्स आपका है, गारंटी उससे पहले मेरी है। बिल्कुल खुश रहिए, एनसीईआरटी की बुक कर लीजिए, एनसीईआरटी की बुक के अलावा कुछ नहीं, एग्जांपल को छोड़ना नहीं, और जिसमें मैंने टिक करा है भाई उसको तो बस 100 बार, कम से कम 100 बार कर लो, वो आना है। मेरी वीडियो मैंने यहाँ पर डाल रखी है, आपको मिल भी गई होगी, देख भी ली होगी। इस वीडियो की बात करते कि भाई ये वीडियो पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। नंबर 1, पहले बात तो मैंने ये जो पेपर यहाँ पे चूज करा है, ये पेपर मैंने चूज क्यों करा है, हम इसे मैथ्स की लैंग्वेज में जो टीचर है इसको क्लोन पेपर कहते हैं। क्लोन पेपर क्या होता है? क्लोन पेपर होता है एक ऐसा पेपर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को कंटेन करता है और आपके इस बार के पेपर में मैच करेगा। तो ये क्लोन पेपर है। अगर हम इस क्लोन पेपर की बात करें और इस पेपर में आपको कम से कम ये मान के चलिए कि 3 या फिर आप ये लगा के चलिए 4 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, लॉन्ग पे बता रहा हूँ मैं, जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो ऐसे मिलेंगे जो आपको मैच कर जाएंगे। जैसे मैंने आपको वहाँ अपनी वीडियो पे कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें एक हाइट और डिस्टेंस का ऐसा सम आएगा जो बाहर से इस बार हार्ड कैटेगरी में आता है, वो भी यहाँ पर है, इसलिए हम इस वाले पेपर को एक क्लोन कैटेगरी में मानते हैं, ठीक है। इस पेपर के अलावा मैं एक बात और आपको बताऊंगा कि भाई मैंने 10वीं और 12वीं के पेपर कई बार चेक करे, ठीक है, और मेरे साथ जो मेरे टीचर दोस्त हैं जो चेक करते हैं 100-200 से ज्यादा, मैंने भाइयों उनका सर्वे भी करा है कि वो एक पेपर को चेक करते वक्त एक बच्चे को क्या देखते हैं, एक बच्चे के पेपर में क्या ढूंढते हैं, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, देख लेना, लेकिन गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद, मेरी गारंटी है कि अगर आपके 50 आने तो भाई 70 आएंगे, और अगर मान लो आपके 70 आ रहे, मेरी गारंटी भाई 20-30 नंबर बढ़ जाएंगे, 90 आएंगे, और अगर आप अच्छे बच्चे 90 वाले ही हो तो भाई 100 कहीं नहीं गए, इस बार आपके पूरे 100 आएंगे। छोटी मोटी बातें होती है जिससे एक टीचर इंप्रेस होता है, एक टीचर भी ह्यूमन बीइंग होता है। तो हमने बहुत सर्वे करा, अपने सारे टीचरों से ही पूछा कि भाई आप जब पेपर चेक करते हो तो होता क्या क्या है, क्या सोचते हो, किसी बच्चे को राइट आंसर में आप फुल मार्क्स दे देते हो, किसी बच्चे को राइट आंसर में आप 1-2 काट देते हो, ऐसा होता क्या है। तो ये सारा जो मैंने सर्वे करा है, इतने दिनों से मेरी कोई वीडियो यहां नहीं आई थी, वो सारा डिस्कशन मैंने करा है, उसके बाद मैं आपको यहां पर पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। तो चलिए, मैं भास्कर सर आपका अपना दोस्त, बिल्कुल दोस्त की तरह आप जो मर्जी लिखिए, और अपने भाई की तरह मुझे मानिए, तो बिल्कुल जो मर्जी लिखना है, फैमिली का एक मेंबर हूं मैं आपका, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और 7 तारीख के बाद कमेंट करिए सर, जितने मर्जी जैसे मर्जी, ठीक है। और उससे पहले प्लीज थोड़ा सा मतलब कोशिश करिए कि अच्छे अच्छे कमेंट ही बेटर होते हैं, सबको अच्छा लगता है। खैर, हम चलते हैं अपने काम पे। मैंने कहा भाई कि ये क्लोन पेपर है, ठीक है, तो क्लोन पेपर क्यों है? नंबर 1, इसमें से 3 या 4 आपके सम्स मैच करेंगे, और सारे सम मैं करके दिखाऊंगा, सारे ये बताऊंगा कौन बच्चा एक आंसर को कैसे कैसे लिखेगा, तो कितने मार्क्स उसके मिलेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि व्हाट अ चेकर सी इन योर पेपर, आपके पेपर में एक चेकर क्या देख रहा होता है, क्या चीज़ को चेक कर रहा होता है, किससे वो इंप्रेस होता है, ह्यूमन बीइंग होने के कारण। देखिए, पहली बात, मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर, रिपीट मैं दोबारा यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, मैथ्स में ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर करता है मतलब कि आपने, अब देखिए आपके पास जैसे सेक्शन ए है, तो सबसे ऊपर आप सेक्शन ए डालिए, उसको इस तरह से बॉक्स बनाइए, ठीक है, सेक्शन ए डाला, ऐसे बॉक्स बनाया, यहां पर आप बिल्कुल साफ, नीट और क्लीन आंसर ANS करके लिखना है, आंसर लिखिए, SOL सॉल्यूशन करके लिखना है, वो लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा मन करिए, चाहे A और डैश लगा के 1, यहां पर आपने 1 लिख दिया, इसको बॉक्स में डालिए,
ये बिल्कुल साफ नजर में आना चाहिए कि आप कौन सा आंसर कर रहे हैं। तो आपने यहाँ A1 लिखा, यहाँ पे आपने अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया जो भी आपका क्वेश्चन है। तो एक तो नंबर वन कि आप असेंडिंग चलिए, असेंडिंग मतलब पहला करिए, उसके बाद आप दूसरा सवाल करिए, यहाँ पे A2 डालिए इस तरह से, उसके बाद आप तीसरा सवाल करिए। तो जितने भी आप सम्स करेंगे, सारे के सारे सम्स करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए सर 1, 2, 3, 4 इस तरह से लेके चलना है। अब बात यह आ जाती कि एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर मैं NCERT पूरी नहीं करी थी, कुछ ही करी थी, तो एक दो मुझे बीच में नहीं आते तो आप उसके लिए जगह छोड़ दो। एक छोटा जो सम होता है वो निश्चित होता है कि भाई वो आधे पेपर में आएगा, ज़्यादा ज़्यादा आधा पेपर छोड़ दो उसके लिए, ठीक है ना। तो ये जो एक नंबर वाले होते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं, आधे पेज के बराबर इसकी आप जगह वहाँ पे वैकेंट कर दो। लेकिन मैथ्स के टीचर को जितने को भी मैंने सर्वे करा है, उनका पहला ही छूटते जवाब था कि जब भी उनको असेंडिंग ऑर्डर में सम मिले हैं तो उन्होंने जो मार्किंग करी है लूज करी है, स्ट्रिक्ट नहीं करी है, लूज करी है। क्यों करी है? क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर को सपोर्ट करता है मैथ्स का टीचर हमेशा। लेने को आप एक और है, क्योंकि मेरे जो सर्वे था उसमें कुछ 10-20 टीचरों ने ये बात भी बोली कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर से ले सकते हो, लास्ट से जो आपके पास लास्ट में चल रहा है वहां से, जैसे 30 फिर 30 के बाद 29 फिर 29 के बाद 28 ऐसे भी ले सकते हो। लेकिन एक सीरियल आपको लेना होगा। मान लो आप ऐसे कर रहे हो कि भाई पहले आपने आंसर वन करा, अब आप कर रहे हो आंसर नंबर 29, अब आप कर रहे हो आंसर नंबर 36, ये जो भी है इस तरह से आप कर रहे हो तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा। तो पहली बात हमने सीखी कि भाई आपको सीरियल से काम करना है तो सीरियल नंबर से ही चलना है, और जिस सेक्शन में आप हो उस सेक्शन को जरूर हाईलाइट करना है ऊपर, सेक्शन A1। मैं प्रूफ के लिए यहाँ पे आपको कई टॉपर्स की कॉपी भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो बात मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई सेकंड नंबर पे कौन सी चीज़ आएगी। सेकंड नंबर पे आएगी हमेशा भाई मैथ्स में, हालांकि जो बच्चा होता है वो कहता है कि ज़्यादा लिखने से क्या फ़ायदा, थोड़ा बहुत लिखो और उसे बस आंसर आ गया, नहीं भाई, डिस्क्रिप्टिव। सारे टीचरों ने रिकमेंड करा कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं, जो भी बात है उसको पूरी तरह से आप डिस्क्राइब करके लिख रहे हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब लिख रहे हैं, फॉर्मूले लिख रहे हैं, फॉर्मूले को आप इस तरह से बॉक्स के अंदर क्लोज कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कहीं पर एक फॉर्मूला यूज करा और वो था A²-B², तो इसको आप यहाँ बॉक्स में बंद करिए और A-B और A+B, और जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखिए, जैसे आप यहाँ पर सवाल कर रहे हैं तो थोड़ा से पीछे साइड में इधर को लाइए, यहां पर रखिए, ठीक है, और इसके साथ तीन बिंदु लगाइए या इसके ऊपर लिखिए वी नो, ऐसे करके हम जानते हैं कि, ऐसे लिख के फिर ये फॉर्मूला रखिए और इसे थोड़ा सा साइड में रखिए, ठीक है, और यहां पर अपना वर्क रखिए। दूसरी बात यहां पर इस चीज को ध्यान रखनी है। तीसरी बात आपके पास यहां पर है कि भाई तीसरी बात है, जो आप आंसर निकालोगे लास्ट में उसको बॉक्स में जरूर डालना है। मान लीजिए ये आपका आंसर आ गया, आपने यहां पर आंसर लिख लिया कि भाई उम्र बेटे की 40 साल आई है, तो 40 ईयर्स आपने यहां पर इस तरह से लिख दिया है, इसको बॉक्स में डालिए। अगर आपने बॉक्स में नहीं डाला होगा टीचर इरिटेट होता है, मार्किंग 6 की जगह 5 करता है, 3 की जगह 2 करता है या 2.5 करता है। तो ये आप उसको जितना खुश रखेंगे एग्जामिनर को, यानी प्रेजेंटेशन मैटर करता है, ठीक है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहते हैं, तो आप इसको इस तरह से रखिए, हमेशा बॉक्स में डालिए। एक बात जो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा जो मैथ्स के टीचर को बहुत ज्यादा पसंद होती है वो ये होती है, भाई जितने भी चेक करें, मैंने कितनी बार कॉपी चेक करी है 10th की 12th की, तो हर बार मैंने ये देखा है कि भाई जब हम आंसर लिखते हैं उसके लास्ट में सर यूनिट तो लिखिए। मान लीजिए कि आपने लिक्विड वाली चीज ली है तो लीटर में आंसर लिखिए, अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में आंसर लिखिए लास्ट में, अगर आप एज का सवाल निकाल रहे हैं तो मेरे भाई आप ईयर तो लिखिए ना, अगर आप रुपीज का सवाल निकाल रहे हैं तो लास्ट में जो आंसर आ रहा है उसके साथ, मान लीजिए आपका निकला कि भाई 30 रुपीज आंसर है तो इसके आगे ये आर तो लगाइए पहले, इसकी मार्किंग कटती है। आप कहते हो कि पूरा पेपर आता था, पूरा सही से करके आया, नंबर उतने आए नहीं, 90 आ गए, 100 नहीं आए, भाई सो इस कारण से नहीं आई, थोड़ा सा अपने में, मतलब इन छोटी मोटी बातों का ध्यान दोगे एकदम से देखना आपके 10 या 15 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा एक मेन बात मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा,
और पांचवी बात, ये मोस्ट में मैंने हर किसी टीचर के मुंह से सुना, मैंने कितने टीचरों का सर्वे करा होगा, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, ठीक है, तो हर किसी के मुंह से एक ही बात थी कि उन्होंने उस बच्चे को ज्यादा मार्किंग दी है जिन्होंने डायग्राम, जितने भी डायग्राम है, जितने भी आकृतियां होती है ना, फिगर होते हैं, वो सारे के सारे पेंसिल से बनाए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, पेंसिल से बनाए हैं, नीट क्लीन बनाए हैं, और इसके अलावा उन्होंने वो डायग्राम में स्केल का यूज करा, हाथ से ऐसे रफली नहीं बनाए, डायग्राम को काटा नहीं, पेंसिल से बनाए, डायग्राम को बॉक्स के अंदर क्लोज कराया, एक ने तो ये भी बोला, हालांकि मोस्टली ये किसी ने नहीं बोला, ठीक है, सबने यही बोला कि भाई डायग्राम पेंसिल से बने हुए थे जिन बच्चों के, नीट क्लीन बने हुए थे जिन बच्चों के, डायग्राम में नेम लिखा होता, मान लो आपने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और इस ट्रायंगल के लिए आप कोई थ्योरम प्रूव कर रहे हैं और इसको ऐसे छोड़ दिया, आपने इसको नेमिंग नहीं करा, ए बी सी या और कोई डाटा इसके साथ था, अगर वो नीट क्लीन नहीं था तो वो वहां पर उसकी मार्किंग कम करते हैं। तो आपने डायग्राम बनाना है, पेंसिल से बनाना है, नीट क्लीन बनाना है। अच्छा, यहां पे मैं एक बात रिपीट करूंगा दूसरी बार, वो बात ये है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम मान लो कि क्वेश्चन, मैं इस पेपर को करके भी दिखाऊंगा, मान लो क्वेश्चन नंबर जैसे हम 6 कर रहे हैं या कोई कर रही, उसमें डायग्राम ऑलरेडी पेपर में बना है, मान लो कि डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ये रहा आपका डायग्राम, ये रहा सर, ये बना है, नाम भी इसमें दे रखा है, ए दे रखा है सर, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, और यहाँ पे आपको सब दे रखा है कि भाई ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 14 सेंटीमीटर है, इस तरह से दे रखा है, ठीक है, और आपको ये एरिया निकालना है, ओके, तो आप क्या कहेंगे कि भाई डायग्राम तो ऑलरेडी पेपर में बना है, मैं अपने आंसर शीट में डायग्राम क्यों बनाऊं, मैं तो डायरेक्ट स्टार्ट कर देता हूं। अब आप रिस्क में आ गए ब्रदर, दो टाइप के टीचर यहां पर 50-50% चांस में बोले कि, एक बोले कि नहीं वो उसी चीज को पसंद करते हैं जिसका डायग्राम ऑलरेडी पेपर में बनाओ भले ही, फिर भी बच्चे ने उसे अपनी कॉपी में पहले ड्रॉ करा है फिर सोल्व करा है तो वहां पे वो मार्किंग पूरी करते हैं, जबकि 50% टीचरों ने यह भी बोल दिया था उसमें कि नहीं उन्होंने मार्किंग पूरी करी, तो आप रिस्क क्यों लेते हो, है ना, आप रिस्क लो ही नहीं, एक सेकंड लगता है भाई बनाने के लिए, नाप के थोड़ी बनाना है, ऐसे ही बस थोड़ा सा बना देना है उसमें, यहाँ 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एज इट इज जैसा उसमें छपा होता है वैसा लिख दो, बिल्कुल वो भी खुश, सारे खुश, मार्क एकदम फुल मिल जाते हैं, सो के सो हो जाते हैं, पेपर इस बार बहुत ईजी है, मजे से मार्क्स ले आओ, क्यों ना इस बार दिखा दो कि अब की बार 90 पार। एक बात और मैं यहां बताता हूं, नंबर सिक्स बहुत बात जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और वो है नंबर सिक्स पे है, और ये वो बात ये है कि ब्रदर ये बात मुझे सारे टीचरों ने, मैंने 200 टीचरों का सर्वे करा जो एग्जाम के बोर्ड पेपर को अक्सर चेक करते हैं, मोस्टली उनकी चेकिंग में ड्यूटी लगती है, मैंने उनसे जब डिस्कस करा, ये डिस्कस केवल एक दो महीने पहले का नहीं भाई, पूरे टाइम हमारा इस तरह से डिस्कस होता है पूरे साल अपने दोस्तों से, ऐसे टीचर दोस्तों से जो किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम के पेपर चेक करते हैं, तो भाई क्या देख रहे हो, क्या आप उसमें डिस्क्राइब कर रहे हो, तो एक रियल वीडियो है, रियल बंदा आपको बता रहा है जिसने ये चीजें अपने सामने देखी है, तो देखिए वो उनका ये बात होती है मैथ्स में, आप छोड़ो कुछ भी नहीं, बड़ा बढ़िया फंडा है, मेरे सारे टीचर दोस्तों ने मेरे को ये बताया कि भाई पिछली बार जब उन्होंने पेपर चेक करा तो कई सम्स ऐसे थे जिसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, अब थोड़ी बहुत मिस्टेक आ गई थी सम में, वैसे हालांकि इस बार तो पेपर बहुत अच्छे से चेक करा, फिर भी कुछ कह नहीं सकते ना, हो सकता है एक आध सवाल में मिस्टेक आ जाए, भगवान की दुआ से आ गई मान लो मिस्टेक, तो आपने करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना सर, मिस्टेक का फायदा आपको मिल जाएगा, आप उस सवाल को थोड़ा भी अगर टच करके आए हो पूरे नंबर आपको मिलेंगे, वो चेक ही नहीं होता, वो पूरे के पूरे नंबर आपके हो गए, फ्री के हो गए, है ना, तो कितनी अच्छी बात है, मान लो वो 4 नंबर का सवाल है और वो गलत छपाता है, उस पर कोई ऐसी बात थी कि बाद में कहा कि भाई ये पेपर तो गलत में, ये सवाल गलत में आ गया, तो आपको वो नंबर फ्री के मिल गए भाई, कुछ नहीं करना, करना क्या है उसमें थोड़ा बहुत उसको ट्राई कर दो। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे रामबाण बता रहा हूँ सबके लिए कि आप जो है कभी भी किसी क्वेश्चन को, जो मैंने कहा छोड़ना नहीं, आपको फॉर्मूला आता है फॉर्मूला लिख दो, कुछ भी नहीं आता मान लो कि बाप बेटे का सवाल चल रहा है, आप बस ये लिख दो कि लेट द एज ऑफ द फादर, या हिंदी में लिख दो माना पिता की उम्र बराबर एक्स ईयर और माना पुत्री की उम्र बराबर वाई ईयर, अब यहाँ पे इंग्लिश में लिख दो ATQ और हिंदी में लिख दो प्रश्ना अनुसार, और प्रश्ना अनुसार लिखकर यहाँ पर थोड़ा करने की कोशिश कर लो, दूसरे वाले में भी थोड़ी कोशिश कर लो, इतनी कोशिश में भाई स्टेप के नंबर होते हैं आंसर के नहीं, आई रिपीट स्टेप के नंबर होते हैं, आप सोच नहीं पाएंगे कि हम जो चेक करते हैं किसी भी पेपर को तो यह स्टेप पे मार्किंग करते हैं ऐसे, तो यहां तक में ही हम आपको 1 मार्क कर देंगे, अब हमने यहां तक में आपको 1 मार्क कर दिया, आप परेशान क्यों होते सर, आगे गलत भी चलेगा तो क्या, एक तो मिल गया ना, अगर आप वीक है तो ये वाला आपके लिए रामबाण होता है। अब चलता हूं नेक्स्ट वाले की तरफ, और यहां पर मैं नंबर 8 बात आपको बताना चाहूंगा ब्रदर कि बिल्कुल ये बात सही है, पेपर को भाई नीट एंड क्लीन करो,
साफ सुथरा पेपर करूं, ठीक है। नीट एंड क्लीन होता कैसे? कई बच्चे कहते हैं सर मैथ्स में तो गलती मेरे से हो ही जाती है। भाई थोड़े से ना स्पीड को स्लो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत टाइम मिल रहा होता है, सारा टाइम बचा ही होता है, आप टेंशन नहीं लो। स्पीड स्लो, लेकिन किस पे ध्यान रखोगे? एक्यूरेसी में, एक्यूरेट एंड स्लो, है ना। तो स्लो चलना, थोड़ा सा एक्यूरेट रखना, गलतियां कम करना, क्योंकि मैथ्स के टीचर को एक कटपिट सबसे बुरी लगती है। आप जितनी कटपिट करोगे, मैथ्स का टीचर अपना मुंह उतना बनाता जाता है, और आप अब तो पेपर घर मंगाने वाली बात है, मंगा के देखना, उसने कटपिट के कारण ही ज्यादा नंबर काटे होते हैं। नंबर 9 और 10 में यहां पर बताता हूं, नंबर 9 है सबसे बड़ी बात है, और वो ये है कि मेरे भाइयों अपने पे भरोसा रखो, ठीक है, अपने पे भरोसा रखो, और पेपर इजी है, खुश होके पढ़ो। इस बार बिल्कुल 100 में से 100 है, मैंने पहले भी नारा दिया है, अब की बार 90 पार। और 10वीं बात जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा आपको अजीब लगेगा, प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपका और मेरा साथ अब ये एक दो दिन का तो है नहीं, या आपने चलना है जी 11वीं में, फिर चलना है 12वीं में, फिर उसके बाद आप जो भी करोगे, ठीक है, जहाँ भी जाओगे मैं आपको मिल ही जाऊँगा, जब भी आपके पास मैथ्स रहेगी लाइफ में। नौकरी के लिए भी मैथ्स तैयार करोगे तो भी मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ आती जाती हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं ये पेपर सोल्व करके, कि इस पेपर को कैसे 4 बच्चे सोल्व करेंगे, और टीचर 4 बच्चों को सही आंसर में भी अलग अलग नंबर क्यों देगा, चलिए डिस्कस करते हैं। ब्रदर इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो हम अपलोड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक दे देंगे, जैसे ही हमारी ये वीडियो आप शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगेगा कि भाई काफ़ी शेयर हो चुकी है, तो हमें और दूसरे जो पार्ट है जो हमने ऑलरेडी बना रखा है उसके लिंक को शो करने की ज़रूरत है, तो हम उसी टाइम इसको शो कर देंगे। तो आपने करना क्या है, इसको जल्दी से शेयर कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ये पूरी वीडियो आपको मिलनी चाहिए, तो आप इसे शेयर कर दीजिए, एक कमेंट करिए, एक लाइक कर दीजिए,